छत्तीसगढ़ में भाजपा शक्ति वंदन संपर्क अभियान चलाएगी, जिसके तहत महिला स्व सहायता समूह और एनजीओ से जुड़ी महिलाओं को जोड़ा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस अभियान में 8 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत ही विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिसमें 8 फरवरी को महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से संपर्क करके उनका सम्मान किया जाएगा और 10 और 11 फरवरी को विधानसभा स्तरीय शक्ति वंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह जो कार्यक्रम महिला स्व सहायता एनजीओ संपर्क अभियान कार्यक्रम है, ये लगातार पिछले 9 जनवरी से राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यशाला हुई है, पूरे प्रदेश यानी देश के जितने भी प्रदेश थे, सभी प्रदेश से 5-5 लोग की जो संख्या बनी, टोली बनी थी, ये सब दिल्ली में कार्यशाला में उपस्थित हुए। यहाँ पे चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो, सिक्किम हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, इस तरह से सभी प्रदेशों के लोग वहाँ पहुंचे, दिल्ली कार्यशाला संपन्न हुई। उसके पश्चात प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश में 24 जनवरी को संपन्न हुआ, फिर जिले में संपन्न हुआ, फिर अब विधानसभा स्तर पर यह कार्य हो रहा है और विधानसभा स्तर पर, बड़े स्तर पर एक एक विधानसभा में 2000 लगभग महिला स्व सहायता समूह और एनजीओ लोग रहेंगे, जिनका सम्मान होगा, नीचे जाकर चाय पर चर्चा होगी और संवाद होगा, और मोदी जी की जो योजना है, जन कल्याण की योजना, उस विषय पर भी उनसे चर्चा होगी। और इसी के साथ साथ यह कार्यक्रम लगातार चलेगा, नीचे तक सबको मोदी जी की योजना के बारे में और भी बताया जाएगा, क्योंकि 210 योजना है जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है, और जिनको नहीं जानकारी उसकी भी जानकारी उनको दिया जाएगा। यह कार्यक्रम महिला स्व सहायता समूह संपर्क अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसमें लखपति दीदी बनाने का एक संकल्प लिया माननीय मोदी जी ने।